श्री श्रीराम भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत गुण साक्षात भजो प्रणाम। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म जितिंद्रा कृष्ण विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शुक्ला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जयहरी को प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग रोज जैव धर्म सुनते थे, लेकिन आज जैव धर्म नहीं कभी ये मान्य शिक्षा का जो प्रथम श्लोक है ये श्लोक को हम सुनेंगे। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये मान्य शिक्षा का रचयिता है। यदि रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, यदि हमारे संप्रदाय के ये प्रयोजन आचार्य। प्रयोजन आचार्य का मतलब होता है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। महाप्रभु ने एक एक भक्तों को देख के उन्होंने एक एक सिद्धांत तत्वों को अपने जगत में प्रचार किया। जैसे सनातन गोस्वामी, इनको बताया हमारे संबंध का आचार्य, मतलब भगवान के साथ में हमारे क्या रिलेशनशिप, उनके साथ में हमारा क्या संबंध। श्री सनातन गोस्वामी विशेष करके उन्होंने प्रकाशित किया है। कहते अविधेय आचार्य, मतलब भगवत प्राप्ति का उपाय किया है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते ये भक्ति रसामृत सिद्ध ग्रंथ में और विभिन्न ग्रंथ में हमारे उन्होंने अविधेय तत्व को उन्होंने वर्णना किया है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहिए नाम का आचार्य है, जगत में हरिनाम कैसे करनी चाहिए, कितना कलयुग को केवल नाम आधारा सूर्य सूर्य उन्होंने नाम का आचार्य महाप्रभु ने बनाया। अगर इसको हरिनाम ठीक ठीक से करना है, इसलिए कहते उन्होंने श्री हरिनाम चिंतामणि जो ग्रंथ एक हुआ है, और हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में उन्होंने बड़े सुंदर हरिनाम को उन्होंने वर्णना किया। अभी कहते हमारे सिद्धांत का आचार्य कौन है, कहते श्री जीव गोस्वामी। इन्होंने सब संदर्भवादी और सिद्धांत को इन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये कौन है, कहते ये हमारी प्रयोजन आचार्य है। हमारे प्रयोजन क्या है, राधा रानी की चरण की सेवा है और राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की जो सेवा प्राप्त होना, राधा रानी की पाल्यदास भाव प्राप्त करना। इसलिए अभी राधा रानी की चरण की जो सेवा है, लेकिन ये साधारण वस्तु। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं राधा रानी की चरण इतना आसान नहीं। कहते ब्रह्मेश्वरादिषु गुरु पदारविंदम् श्रीमान पराग परमात्भुत वैभवाय, मतलब है राधा रानी की जो चरण कमल है कहते ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्मा जी उन्होंने ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए राधा रानी की चरण की सेवा प्राप्त करने के लिए और ये पत्थर जन्म लेना चाहते हैं ब्रज की बाहर। कहते श्री भोले बाबा की गोपी बन करके भी संकट दिया तो भैया मैं गोपी बन जाऊंगा, लेकिन प्रभु का लीला दर्शन हो जाएगा। लेकिन गोपी भी बने, ईशानपन में बैठे भी है, लेकिन प्रभु को पता चला तो गोपियों ने उनको वहां से निकाल दिया है। कहते श्री नारद, कहते नारद कुंड में त्रिराज की आश्रय लेते हुए जब उन्होंने शंकर जी से अष्टकालीय लीला को श्रवण किया, श्री नारद जी उनको भी लोभ हुआ वो सेवा प्राप्त करने के लिए। बोले कैसे प्राप्ति होगी, वृंदावन के आशीर्वाद हैं और श्री गिरिराज के पास। इसलिए श्री नारद जी गिरिराज चरण को आश्रय लेते हुए उन्होंने भी भजन किया। कहते श्री उद्धव जी भी वहां के घास भूसा होकर के जन्म लेना चाहते श्री उद्धव जी। इसलिए कहते ब्रह्मेश्वरादि, मतलब राधा रानी की चमक जो चरण कमल ब्रह्मा के लिए गति प्राप्त हो, शंकर जी के लिए, नारद जी के लिए, उद्धव जी के लिए, ये सबके लिए बड़ा कठिन। कहते इनकी बात छोड़ दो, कभी कभी कृष्ण को भी राधा रानी चरण नहीं है।
इसलिए ब्रह्मेश्वर आदि आदि ईश्वर भगवान कृष्ण अगर राधा रानी कभी पूजा में मान कर ले, कभी कभी इन्हीं कृष्ण के लिए भी राधा रानी के चरण दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जब की कल सुबह तो फलता भगवानी नित्य परस पुरुष शिखर नमोले जस्या पदार जने थे जवान जाया तब के भी तुझे भवना अंगनिवार यदि क्या करा ऐसे सौभाग्य कभी होगा। बोले कौन सा सौभाग्य? बोले जिस पूज्य में से राधा रानी मान करके बैठे। बोले आज किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूँ और कृष्ण आकर के उनकी सखी मंजरियों के पास में हाथ रगड़ते हैं और श्री किशोर जी की हमें दर्शन दिलाते। ऐसे जो पूजा में रहे हैं उसमें जो गोपियां झाड़ू लगाते हैं कहते झाड़ का क्या है सलाह वो प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते कृष्ण के लिए भी कभी कभी राधा रानी की चरण कृष्ण के लिए भी कभी कभी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्रज्ञेश्वरादि सुगुरु पदार अरविंद है। अभी राधा रानी की चरण कितना तो दुर्लभ, हम भी जहाँ ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद के लिए भी ये चरण कमल उन्हीं के लिए भी दुर्लभ है। भैया हम कौन सा व्यक्ति के लिए हमें कैसे मिलेगा? इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर ऐसे ऐसे राधा रानी की चरण कमल को प्राप्त करना चाहते हो क्या करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दिखाया तो उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम गुलाब पुष्पांजलि। जैसे हम राधा रानी के चरण में कृष्ण चरण में एक एक फूल देते हैं, उन्होंने रो रो करके एक एक फूल को ही उन्होंने एक एक श्लोक को ही उन्होंने राधा रानी के चरण में समर्पित कर दिया, एक एक श्लोक को फूल रूप में अर्पण किया। इसलिए अभी प्रश्न होता है कुछ चीज हमें मिलेगा तो मिलेगा कैसे, इतना दुर्लभ। तो उन्होंने ये मन से क्या ग्रंथ को बनाया, अगर इसको पाप में कर देगा ना बात में ठाकुर जी मिल जाएंगे, राधा रानी के चरण में फल मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने मन शिक्षा बनाया, इसलिए ये ग्रंथ का नाम दिया मन शिक्षा। मतलब ये मन को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जो मन है ना ये सारे दुष्ट का जड़ है मन। इसलिए हमारे तो ज्ञान इंद्रिय है, दस पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय, इसको लेकर के ये दस इंद्रिया हैं, हैं? लेकिन इसका राजा मतलब मन, जैसे मन ने कहा चलो आज मंगला के दर्शन करने जाएं, कितने बार घूमते तीन बार घूमते नहा धो करके तिलक लगा क्या, अगर मन बोलता देख क्या होगा मंगला देख कर सो जाओ हैं, सो जाओ और दो घंटा सोने के हैं और दो तीन घंटा सो सकते हो, क्यों बेकार हो रहे हो, शरीर को आराम दो है, शरीर को आराम दो। इसलिए उठा नहीं सोते रहो, फिर क्या कर सारी इंद्रिया सो जाती, उठता नहीं है सो जाता। और हमारे जो मन है ना ये चेतना हर समय ये अपना सुजग है, अपना कहते वो अपना सुजग ढूंढता है कैसे शरीर को आलस्यता दे। अब देखना हर काम के लिए मन का तैयार है, टीवी देखने के लिए तीन तीन घंटा सीरियल देख लो, स्मार्टफोन भी देख ले हैं, और इधर उधर की बात हो देखना घंटे घंटे चल चल जाए। लेकिन अगर ये मन को बोला हरिनाम करे ना, ये हरिनाम करने नहीं जाएगा, सत्संग सुनने नहीं जाएगा, कथा सुनने नहीं जाएगा, दूसरे काम के लिए गंदे काम के लिए भी पहले तैयारी बैठता है, सिनेमा देखने के लिए पहले तैयारी बैठता है। लेकिन जब उसकी भजन की बात बोलो ना पता नहीं ये कितना कितना बहाना वाले होता, अरे ऐसे होने से क्या होगा, अरे तो क्या जरूरत है हरिनाम करने का, हरिनाम से ये मन इतने बड़ा दुष्ट है, ये दुष्ट मन। इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जुटी लो और ये मन को सौ बार पीटो, मतलब ये मन को समझाओ मैं आज दिन भर हरिनाम करना भजन करना उल्टा पुल्टा चीज जो भी मन नहीं करना है, भगवान की भक्ति में मन लगाना। इसलिए प्रभुपाद जी ये बात कहते हैं। इसलिए हमारे जो सबसे जो मेन वस्तु है ना कहते मन एक मनुष्य ना कारण बंध मनुष्य, इसलिए भगवान कभी देव तक मां यही मन ही बंधन का कारण है और यही मन ही मुक्ति का कारण है।
जब ये मन को हम भगवान के चरण में लगा देंगे बस मुक्ति का कारण होता है। जब ये मन को हम विषय में लगाए बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान कपिलदेव कहते हुए माँ कि जो मन है ये सबसे मैंने बताया अपना मन को ठीक करनी चाहिए, अपना मन को ठीक करनी चाहिए, बस सब ठीक है, तक सब चूट ठीक है। इसलिए पहले श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी ये कहते हैं अपना मन का प्यार को पकड़ दे, हैं बोले भैया मन तेरे पाँव पकड़ता तो मान जा, इसी तरह से इसको मना दो, हाँ इसको मना करके क्या करो प्रभु भजने में लगा दो कर तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते तुम्हारी पाँव पकड़ता हूँ भैया तू मन तो मान जा। बोले क्या मान जा, बोले गुरु गोष्ठे गोष्ठाल सुजनी भूसुरु गणी सौ मंत्र श्री नाम में प्रजुब द्वंद सरणी। इसलिए सर्वप्रथम कहते हैं भक्ति जगत में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम गुरु जी की जरूरत है, आदो गुरु पदाश्रय है, सर्वप्रथम गुरु जी की चरण की आश्रय ग्रहण करना है। जब तक जीवन में गुरु नहीं करते हैं तब तक जीवन में भक्ति की शुरुआत नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम गुरु जी की पदाश्रय है। इसलिए श्री 64 भक्ति अंग में सबसे पहला जो अंग बताए भगवान की भक्ति जगत में प्रवेश करने के लिए पूरी चरण आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं प्रथम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव निमार्जनम्। कृष्ण कहते हैं पहले गुरु जी की चरण की पूजा करो उसके बाद में करेंगे। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़ी काक लाग पाओ बलि हरि श्री गुरु जी के गोविंद के बताओ। इसलिए तस्मात गुरु प्रपद्येता, तस्मात मतलब अगर ये माया बड़ी ठगी है, अगर ये माया से पार होना चाहते हो, माया से पार होकर के भगवान के चरण को प्राप्त करना चाहते हो तो तस्मात गुरु प्रपद्येता, इसलिए पहले गुरु जी के चरण को आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया जानने के लिए गुरु में वास रहे गुरु जी के चरण में शरणागत हो। इसलिए सारे ग्रंथ में पहले गुरु जी के चरण की बात पूजा की बात सबसे पहले सब शास्त्र में पहले गुरु जी की वंदना की। बोले बंद गुरु पद पदो मां परागा सुरुचि सुभा सरस रस अनुरागा। बंद गुरु पद पद्म परागा गुरु जी चरण कमल को कमलों के साथ उदाहरण दिया। इसे कमल देखने में सुंदर है, बड़े सुंदर खुशबू है, मन को शांति प्रदान करता है। गुरु जी का चरण कमल भी हमारे मन को बड़े शांति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया ना गुरु नहीं गुरु, जो गुरु जो शब्द है बोले द्विवचन आया है, एक वचन नहीं है द्विवचन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गुरु की चार तरह का गुरु होता है। पहला तो जो हमें पद्म प्रदर्शन गुरु सर्वप्रथम हमें जो मिले मिल करके हमारे हृदय में उसमें प्रेरणा भक्ति करनी चाहिए भजन करनी चाहिए। सर्वप्रथम जिसने हमें ये उत्साह और हमें जो प्रेरणा जो जीवन में प्रदान करे जब ये हमारे रास्ता दिखाने वाले। दूसरा गुरु क्या हो गए, बोले एक दूसरा गुरु हो जिस दिख्या जिनसे हमने ये भगवत मंत्र को जिनसे हमने प्राप्त किया उसको भगवत कृपा गुरु जी के माध्यम से हमें जिनको कहते दीक्षा गुरु है। तीसरा जो गुरु है कभी ये शिक्षा गुरु है, जैसे कभी कभी हम गुरु दीक्षा लिए लेकिन कभी कभी ऐसे होता है गुरुदेव दीक्षा गुरु भी हो जाते हैं, रास्ता दिखाने वाले गुरु भी हो जाते हैं, शिक्षा गुरु हो जाते हैं। अगर हमें हर समय गुरु जी को अगर पास में रहा करते हैं वही गुरु सब कुछ हो जाता है, वही हमें दीक्षा दे देते हैं, रास्ता भी वही दिखाए और हमें भगवत भक्ति के मार्ग भी उन्होंने हमें प्रभु की भक्ति के मार्ग भी उन्होंने दिखाए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं
शिक्षा गुरु कौन बन सकता है? बोले सब नहीं बन सकते, एक तो अपना संप्रदाय का होना चाहिए। हम जिस भाव से भजन करते हैं, हम जिस भाव से, हमारे उद्देश्य क्या, राधा कृष्ण के चरण की सेवा में, महाप्रभु की आनुगत्य में, महाप्रभु की धारा में है, धारा में। अगर कोई दूसरे धारा में हो, जैसे कोई अगर रामचंद्र की पूजा करते हुए हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हुए हो, नरसिंह देव की, तो ये क्या तुम्हारी शिक्षा गुरु बन सकते? बोले नहीं बन सकते। इसलिए सुजातीय आश्रय सुंदर, मतलब अपना भाव चित्त व्यक्ति होनी चाहिए। हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, हम जिस राधा कृष्ण के प्रेम महाप्रभु की धारा में, अगर उसी धारा में अगर कोई व्यक्ति हो जो महाप्रभु की धारा में आए, तो इनको द्वारा क्या होगा, हमारी भक्ति बढ़ सकती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, भावानुकूल, भाव विरोधम, भाव अविरुद्धम, भाव साफल्य, सब बात करते हैं। जैसे अगर तुमने जो सीताराम की जो भक्ति करते हैं, बाद लक्ष्मी नारायण के पत्र उनको संग करो, तुम्हारी भक्ति तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन भक्ति घटेगी, भक्ति घटेगी नहीं, लेकिन तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों? जैसे तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, नहीं तो सी ए कर रहे हो, नहीं तो तुम डॉक्टरेट भी कर रहे हो, अगर उसमें कौन तुमको मदद करेगा? अगर तुम सी ए कर रहे हो तो वो सी ए जो पढ़ रहा है कोई भी तुमको मदद कर सकता है? डॉक्टर क्या मदद कर सकता है? नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर भी कर रहे हो तो इंजीनियर तुमको मदद नहीं कर सकता। अगर तुम जिस लाइन में पढ़ रहे हो उसी में कोई एक्सपर्ट व्यक्ति हो जो तुम्हें मदद कर सकता है। इसलिए हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? महाप्रभु की अनुगत्य में राधा कृष्ण की जुगल की हम उपासना कर रहे हैं। अगर ऐसे भाव वाले कोई व्यक्ति हो, वह तुम्हें भक्ति में बढ़ा सकता है, आगे है भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। इसलिए सो जातीय आश्रय से अपना जात के होनी चाहिए, अपना भाव। अगर कोई उल्टा उल्टा इधर उधर संग करोगे, जिसे भाव अविरुद्ध, इसमें भाव विरोध नहीं, अभाव विरोध है, इसमें कोई भाव के विरोध व्यक्ति का आकर्षण कर दो तो बास भक्ति कोई भी खत्म हो जाए। इसलिए हम जो संग करना है ना, जैसे जैसे व्यक्ति संग नहीं करनी चाहिए, अपना भाव व्यक्ति सबसे भी कथा नहीं सुननी चाहिए है, जो मायावादी ब्रह्मवादी जो भगवान को मानते नहीं, एकादशी व्रत नहीं करते, ठाकुर के चरण में तुलसी नहीं चढ़ाते है, इसलिए कोई नया मंत्र या अपना मनमानी एक ढंग से नया मंत्र ही बना दिया जिसमें कोई शास्त्र में कई मंत्र की बात ही नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति का संग करोगे तो फिर भक्ति तुम्हारी जो रही सही थोड़ी भक्ति होगी खत्म हो जाएगी, तो भक्ति तुम्हारी नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर कहते गुरु, गुरु मतलब होता है अपना भाव युक्त व्यक्ति की संग्रह में करनी चाहिए, भाव विरोध व्यक्ति का संग नहीं करनी चाहिए है। इसलिए इससे थोड़ी सी सावधान रहनी चाहिए, नहीं तो नहीं क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी, धीरे धीरे भक्ति घट जाएगी। हम जिस राह पर चल रहे हैं वो रास्ता हमें सही सही नहीं मिले है। इसलिए यहाँ पर गुरु शब्द नहीं देख करके गुरु शब्द उन्होंने प्रदान किया, ये बहुवचन प्रदान किया, अपना प्रथम प्रदर्शन गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, और एक बताएं ये चैत्य गुरु है। बोले चैत्य गुरु रूप में कौन है? इसलिए श्री दुर्लभ मंगल कहते हैं, चिंता मणि में जयते, वहां पर कहते सिक्की पूछ मौले, सिक्की पूछे मौले जिसका सर पर मरुदम, पर ये भगवान कृष्ण, ये हमारे अंदर जाने है, जो हमारी हृदय में बैठी करके हमारे हमें जो प्रेरणा देते, जैसे हम लोग यहाँ तक आए, हमको कौन लाया, लाया हम और कहीं क्यों नहीं, यहाँ तक निभाया कारण है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड करने के कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भगवान, यदि ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को क्या होता है, गुरु और कृष्ण इनकी कृपा से भक्ति लता भी बीज मिलता है। तो भैया आप तो गुरु जी से मंत्र लिए, गुरु में दीक्षा मंत्र गुरु जी दिए, लेकिन यहाँ कृष्ण का नाम, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता में, भक्ति बग लता बताया, बीज बगर लता होगी नहीं, इसलिए बीज होनी चाहिए, लेकिन बीज कहाँ से मिलता है, गुरु और कृष्ण ये दोनों के पास है। कृष्ण क्या किया, जो कृष्ण है
हमें जो यहाँ तक लाए, लाने वाले कौन है? हम तो और कहीं भी जा सकते थे, हैं? और भी तो कहीं जा सकते थे, फिर मैं यहीं क्यों आया? बोलिए कृष्ण ने हमें लाया, वे हमारी अंतर्ज्ञानी हृदय में जो बैठ करके अंदर से प्रणाम हमें देने वाले ये कृष्ण है। इसलिए बोले कृष्ण नुबंदे जगत गुरु, पता ना कृष्ण नुबंदे जगत गुरु, कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया सबको जता जो किया सम्मान, कहते सफल सम्मान करी के सतति देखा नाथ जता जता कबे गाई व हरे नाम के अपराध। यहाँ पर कहते हैं प्रभु गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हैं, सफल सतति सफल सम्मान करी के सतति, सब सम्मान जिसके हृदय में, क्योंकि जीवर सम्मान जान कृष्णा दिशा, सबके हृदय में कौन बैठे? भगवान ही बैठे ना, ठाकुर तो परमात्मा में बैठे। इसलिए सफल सम्मान दिव्य सबको यथाज्ञ हमें सम्मान देनी चाहिए, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई कड़वी वचन मत कहा करो, जैसे जिसका दिन में ठोस होते, इसलिए कहते ना किसकी अगर भलाई नहीं कर सकते हो तो किसकी बुराई भी मत नहीं करनी नहीं चाहिए। इसलिए साधारण जीव कर्मी नहीं, और वैष्णव लोगों को गुरु जी को और जो भक्ति जगत में आए हैं, प्रभु की भजन जगत में आए हैं, सबको हमें सम्मान देनी चाहिए। तेरा ये मेरा वो इसका ये दल बल नहीं करने चाहिए, ये सब दल बाजी करने से ना भक्ति भी होता है। हम एक ही दल है, कौन सा दल है? महाप्रभु भक्ति के हैं, भक्ति के दल के हम, हमारे एक ही दल है हमारी ये वैष्णव दल, हमारी वैष्णव ही हमारी ये दल है। इसलिए हम एक ही गुरु जी की, एक ही परंपरा की, एक ही भावना की, हम सबके सब उसी राह पर चल रहे हैं। इसलिए दल नहीं करके एक ही दल हम वैष्णव दल, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए कहते गुरु हैं, इसलिए सबको जथा योग्य हमें तो सम्मान दे करके भक्ति जगत में हमें चलनी चाहिए। और एक है उसमें भक्ति जगत में भी कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं जिसकी मुंह से एक बार भी प्रभु का नाम निकल गया है कृष्ण जी जैसे एकदम मनसार, जिसके मुंह से एक बार भी कृष्ण नाम निकला मन मन आदर है। दीक्षा से तब जो दीक्षा लेकर भी भजन कर रहे हैं उसको प्रणाम करो। परंतु अनन्य मन निंदा सुन्नत इच्छित संगलता, जो कभी दूसरे की बुराई नहीं करते, दूसरे की चुगली नहीं करते, बुराई नहीं करते हैं, कभी किसकी निंदा नहीं करते, उसको क्या संतोष? अपना हृदय का बंधु मान के उनको सम्मान दो। क्यों? वो कभी किसकी बुराई नहीं करते। और जो व्यक्ति हर समय उसकी बुराई उसकी बुराई उसको बुराई दूसरे बुराई करने का मतलब हम ही सही और सब गलत है, कहते भैया ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं उनसे हमें दूर रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो सर्वप्रथम जो शब्द आया है बोले गुरु, गुरु मतलब ये जो चार तरह का जो गुरु है कौन कौन होंगे? पहले भी ब्रह्म प्रदर्शक, उसके बाद में ये शिक्षा गुरु, उसके बाद में ये शिक्षा गुरु, और उसके बाद में ये करिए अंतर्ज्ञान गुरु, ये चैत्य गुरु है कौन है? भगवान स्वयं। इसलिए सर्वप्रथम क्या करनी चाहिए? इनको यथाज्ञ सम्मान देनी चाहिए। गुरु गोष्ठे, गोष्ठे मतलब होता है श्री वृंदावन जो धाम है, वृंदावन धाम को भी क्योंकि जय जय वृंदारण्य मृत मुरारे प्रियतम मत साधु स्वांत वैकुंठ वास रमय दिशा सदा का पाल स्वरित मधुर वेणु वर्धय प्रेमवास। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते जय जय दी वृंदारण्य मृत मुरारे। यहाँ पर जो जय शब्द दो बार दिया है, एक बार नहीं कहते तो जय जय मतलब वृंदावन धाम की जय, जोर से बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जय जय मतलब वृंदावन धाम को विशेष विशेष करके जय बोलते। क्यों? जय जय वृंदारण्य मृत मुरारे,
प्रियतम पति सांत स्वांत वैकुंठ वास। जो वृंदावन धाम की जो वास है क्या है, जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वास है। इसलिए वैकुंठ जनित बराबर दुपरी तथा भी रासोत्सव है। इसलिए वैकुंठ से भी और अयोध्या मथुरा से भी श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम है। इसलिए वृंदावन धाम की विशेष महत्व है। क्यों वृंदावन धाम कितने महिमा क्यों कारण क्या है, मतलब कारण है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने रास लीला रचाई। रास मतलब जहाँ पर रस की प्रवाह जहाँ पर बही है। ये रास प्रभु कह नहीं बताए, स्वर्ग में भी रास नहीं, वैकुंठ में भी रास नहीं, अयोध्या में नहीं, द्वारका में नहीं, मथुरा में नहीं, कहाँ पर ये रास है, वृंदावन धाम में ही ये रास है। स्वरित मथुर वेणु जहाँ पर वेणु जहाँ पर उन्होंने बंसी बटक लेके खड़े होकर के जहाँ पर कृष्ण सुंदर सुंदर उन्होंने बंसी ध्वनि की और बंसी ध्वनि को सुन करके सब ब्रजगोपियाँ जहाँ पर एकत्रित हुए और भगवान ने जहाँ पर ये दिव्य रास लीला है। इसलिए वृंदावन धाम की बोले वृंदावनम सखी गुरु कितनो कीर्ति जब देव के सुत प्रदान हो लक्ष्मी। इसलिए वृंदावन क्या है, कितनी वृंदावन कोई साधारण नहीं है। वृंदावन धाम है जहाँ पर भगवान अपना चरण को कहते हर अवतार में भगवान पादुका धारण किया, लेकिन कृष्ण अवतार है इसे अवतार जिस अवतार में भगवान पादुका ठाकुर जी ग्रहण में जो गोचारने के लिए जा रहे थे मैया बलिना लाल तेरे लिए तो जो भी पादुका बना देते हूँ और एक छत्री बना देते हूँ। कृष्ण बोले माँ हम गोपाल है, हम गैया को पालन करने वाले, गैया तो हमारे इष्ट, हम उनको सेवा करने वाले, हमारे जो इष्ट गैया उनकी चरण में जूती नहीं, उनकी सर के ऊपर छतरी नहीं, अरे हम उनको सेवा करेंगे छतरी जूती कैसे पहन सकते हैं। अगर तुम तो मेरे लिए अगर दो जोड़ी बनाना चाहते हैं ना दो जूता, इसलिए क्या करते हैं हर गैया के लिए भी चार साइड बनाते हैं और सभी के लिए एक एक छतरी बनाते हैं। तो मैं भी पहनने का धारण करूँगा। इसलिए कृष्ण है इसलिए नंगे प्यार में इसलिए वृंदावन में सखी रूपों की विनोद कीर्ति जब देव के सुख पदा लब्ध लक्ष्मी। यदि क्या भगवान ने जब वृंदावन धाम में चलते थे क्या होता था, भगवान का चरण था चिन्ह वृंदावन में ठाकुर का चरण चिन्ह पड़ता था। पढ़ने पर क्या होता भगवान के चरण में उन्हें से चिन्ह ठाकुर का चरण में इसलिए उन्हें से चिन्ह होने पर जो ठाकुर चलते थे ये वृंदावन धाम अपना बद्ध स्थल तो बल में अपना चरण चिन्ह को धारण करते हुए हृदय में जो जो भास है बल्कि भास नहीं जैसे हमारे हृदय कभी प्रेम में पुलकित हो जाए हमारे रोंगटे खड़े हो जाती है। इसलिए बोले घास रूप में वृंदावन धाम का रोंगटे खड़े हो गए, बोले जो झरना बोले झरना नहीं जैसे हम प्रेम में द्रवीभूत हो जाते हैं ना हमारा आंखों से आंसुओं की झैली बहने लग जाती है, बोले आंखों के आंसू अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, ये अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए जब वृंदावन धाम में चलते हैं कितना हजार उनकी जो भक्त संत लोग क्या करते हैं, यदि वृंदावन धाम को थोड़ी कृष्ण का चरण को थोड़ी पृथ्वी में थोड़ी गिरने देंगे वो अपना हृदय को बिछा देते हैं और गिरिराज गोवर्धन का अपना जीवा निकाल देती है, जीवा कितने गुदगुदी कितने गुदगुदी। जैसे ठाकुर जी जब चलते हैं वो अपना जीवा को निकाल देती है जिसमें ठाकुर जी अपना चरण कमल को रखते हैं। इसलिए कहते बिकनौर की कीर्ति कहिए वैकुंठ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वृंदावन धाम। इसलिए कहते हैं जय जय वृंदावन दल बुराने प्रियतम मति साधु स्वांत वैकुंठ वासा रमय तिसा सदा दा पालयन तत्र गोपी। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं हर समय गैया के पीछे भगवान जब चलते हैं पूरे यद गोप वृंद सकालो जब कृष्ण के साथ में चलते हैं सकालो क्या बनते बस कृष्ण कन्हैया लाल की सबके सब जय जय करते करते श्री कृष्ण को चरण करते हैं है? इसलिए कहते हैं यहाँ पर कहते गुरो गोष्ठे बोले गोष्ठा लय सो बोले वृंदावन धाम में जो भक्त लोग रहते हैं सबको आदर देने चाहिए। कौन कौन रहते हैं सबके सब प्रजावास लोग रहते हैं सबके सब कृष्ण के भक्त लोग रहते हैं
दिन को इसलिए हम रोज रोज सुबह कीर्तन करते हैं ना। कौन सा कीर्तन? बोले जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम राधा कुंद गिरि गोवर्धन काली बीज यमुना जय जय महागौरी। सॉरी, ये ऐसे भी कीर्तन है ना, नरोत्तम दास ठाकुर रचना किया, ये कीर्तन को रोज हमें करनी चाहिए। एक कीर्तन अगर कर लिया ना, सारे वृंदावन धाम स्मरण होते हैं। वो गोपी सखा राधा कुंड श्याम कुंड यमुना सब एक 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 कहते एक कीर्तन में सब सब कुछ एक कीर्तन में स्मरण हो जाता है। इसलिए हम घर में रहने पर भी क्या करते हैं, कीर्तन को रोज तुलसी परिक्रमा करते समय ये कीर्तन को बोलते बोलते तुलसी हमें परिक्रमा कर लेनी चाहिए है। धीरे कहते सुजनी भूषण गणी, इसलिए कहते सुजन मतलब होता है जो भक्त है। ऐसे नहीं केवल आप जो जो वैष्णव ये नहीं सोचे, नहीं केवल हमारे संप्रदाय में जो गौरी तिलक लगाए केवल उनको ही सम्मान करेंगे। रामानुज संप्रदाय का संत है, रामानुजी संप्रदाय का संत है, जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है। ऐसे संप्रदाय में जो बाहर है केवल खाने पीने के लिए अपना ड्रेस को पहन लिया, वृंदावन जाओ कितना परिक्रमा मार करो, लेकिन वहां पर नियम है एकादश में रोटी खा रहे, छोले खा रहे, चाय पी रहे, लाइन लगा कर वहाँ नियम है। ताकि उसमें खाने अगर चाहो ना पहले तुम लाल कपड़ा लोगे तो खाओ और गजिया हैं तिलक तिलक भजन भजन से कुछ मतलब नहीं, लेकिन पहने हुए लाल कपड़े नहीं। एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं, सम्मान ऐसे व्यक्ति को होनी चाहिए जो सचमुच से जो वैष्णव संप्रदाय में शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में जो आए हैं ऐसे जो भक्त है उनको सम्मान करनी चाहिए। भू सुरगण भू मतलब पृथ्वी का जो देवता बोले ये कौन, बोले इस चीज का ब्राह्मण है, इनको भी सम्मान देनी चाहिए। लेकिन कौन सा ब्राह्मण है, बोले जो ब्राह्मण वास्तव रूप में अपना दैव बनना सब धर्मों का पालन करते हैं, अपना संसार में रहते हुए सचमुच से अपना गृहस्थ धर्म को जाजन कर रहे हैं, सचमुच से अपना धर्म कर्मों को निभा रहे हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मण होकर के सिगरेट फूक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उल्टा पुल्टा चीजें खा रहे हैं और कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रजवासी हैं। कहते भैया नहीं ब्रजवासी नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है। इसलिए ये वास्तव रूप में अपना धर्म कर्म को निभा रहे हैं उनको उनको भी सम्मान देनी चाहिए। कहते स्व मंत्र गुरुदेव ने हमें जो मंत्र प्रदान किया है ये मंत्र को त्रिसंध्या ठीक से ये मंत्र को जप करनी चाहिए, क्योंकि जो मंत्र है ये मंत्र स्वयं हरि साक्षात जो गुरुदेव से जो मंत्र मिला है हैं। इसलिए ये बृहद भागवत अवतरण में सनातन गोस्वामी दिखाया ऐसे कामाख्या देवी से गोपाल मंत्र को गोप कुमार को मिला, जब उन्होंने मंत्र को जप किया ना ये मंत्र धीरे धीरे भूर भोग मोह जन तप सत्य ये सब वैकुंठ पार करते हुए लास्ट में कहाँ तक ले गए, बोलो तो वृंदावन में कृष्ण की सखा को साथ बैठो, कृष्ण को साथ में सखे रस कृष्ण को प्राप्त कर दिया। केवल उसी मंत्र जप करते जब जब उनको समय मिलता था मंत्र जप करते थे। वो मंत्र कौन सा मंत्र, वो गोपाल मंत्र था। हम जो गोपाल मंत्र जप गोपाल मंत्र इसमें गोपीजन बंधवाय स्वाहा इसमें कृष्ण का नाम है। इसलिए ये मंत्र ऐसे अगर ठीक ठीक इसलिए मंत्र जप करते समय आसन में बिछा करके ऐसे नहीं जहाँ कहाँ बैठ कर जप किया, आसन में बिछा करके आचमन करके तीर्थों को आह्वान करके तिलक करते हुए और तिलक को स्थापन करके है मंत्र को ठीक ठीक और नियम है मंत्रांत चिंतन मतलब मंत्र करते समय मंत्र जप कर और मन मन और नहीं वो मंत्र में क्या बोल रहे हैं वो मंत्र में कहते मंत्रांत चिंतन करना होगा। कम से कम ये मंत्रों का अर्थ थोड़ी बहुत हमें पता रहना चाहिए। जगत भी हमारे गुरु वर्ग कहते हैं ये मंत्र साक्षात भगवत स्वरूप एक दिन ये मंत्र साक्षात कृष्ण को दर्शन करा देता है और मंत्र जप करते करते मंत्र अपने आप इसका अर्थ को ये स्वयं प्रकाशित करता है मंत्र।
तब भी हमारी थोड़ी बहुत मंत्र क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ी स्मरण, थोड़ी थोड़ी उसको कम से कम उसकी मंत्र की थोड़ी सी हमें पता रहनी चाहिए है। इसलिए ये मंत्र को ठीक से है, ठीक से बैठ करके मन लगा करके ये मंत्र को जप करनी चाहिए। विश्व मंत्र से नाम ने, नाम ने मतलब जो हरिनाम, गुरुदेव ने जो हरिनाम दिया है ये हरिनाम को भी हमें ठीक ठीक से किया जप किया सबे कर लिया। महाप्रभु कहते ऐसे नहीं जिस दिन इच्छा हुआ पूरा माला कर लिया, जिस दिन इच्छा हुआ नहीं हुआ माला जहाँ तहाँ लग गया, नहीं करना। माला कृष्ण है, इनको कोई भूखा नहीं रखनी चाहिए, इनको कोई भूखा नहीं रखनी चाहिए। ये माला ही एक दिन चेत दर्पण मार्जनम भव महातावाद निर्वापनम। इसलिए चित्र के दर्पण को परिमार्जन करने वाले, समस्त दुख को दूर करने वाले, हृदय खिला देने वाले ये मंत्र है। इसलिए एक दिन क्या होगा, एक दिन प्रतिपद पूर्णामृत आस्वादन, प्रतिपद पथ में अमृत के आस्वादन करने वाले एक दिन ऐसे होगा। ये कहते जो नाम है एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा, नाम जप करते करते नाम स्वयं के नामी रूप में प्रकट हो जाता है, नाम स्वयं कृष्ण रूप में दर्शन करते थे हैं, कृष्ण रूप में दर्शन से सो नाम ने राधा कृष्ण की युगल चरण की चरण में हमारी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मैं तुम्हारी चरण पकड़ कर कहता ये बात को मान जा, क्या मान जा कि हर चीज में तुम अपना रति को प्रेम को सबको चरण में प्रेम को प्रदान करते हुए ये सब चीज को तुम करो और इसी से ही तुम्हारी कल्याण है और इसी में ही तुम्हारी मंगल होने वाले। बोले श्री मन शिक्षा की, बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, बादशाह को प्रदर्श करने पाप के बंधन सच्चा नाम पाप ने को वैष्णव को हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। हम लोग का कीर्तन बैठ कर कीर्तन करना, बस में कीर्तन करना।